नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। इसरो की तैयारी, चांद के बाद अब सूरज पर भी कदम रखेगा भारत। इसरो 2019 में जहां चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, वहीं 2020 में आदित्य L1 मिशन से सूर्य का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात इसरो चांद और सूर्य में छिपे कई और रहस्यों से आने वाले समय में पर्दा उठा अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद 2022 से 23 में इसरो मार्स और वीनस मिशन की तैयारी में भी लगा है। इसरो में अभी चंद्रयान 2 मिशन के लिए नई नई तकनीक ईजाद करने में लगा है। प्रियंका गांधी का पीछा करेंगे रॉबर्ट वाड्रा के विवाद। वाड्रा और विवाद दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के बाद अब उन्हें अपने पति वाड्रा से जुड़े विवादों का भी सामना सीधे तौर पर करना पड़ेगा। उन पर वाड्रा के किए गए कथित भ्रष्टाचारों पर भी जवाब देने का दबाव होगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका के राजनीति में आने से एक और जहां कांग्रेस उत्साहित है, वहीं प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। से सिर्फ एक किसान को मिलता है कर्ज माफी का फायदा। कर्ज माफी किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि कुछ किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने का एक जरिया है। इसका फायदा सिर्फ उन किसानों को मिलता है जिन्होंने इस संस्थागत कर्ज लिए हैं। पिछला NSSO सर्वे के मुताबिक देश में 52% कृषि परिवार कर्ज में डूबे हैं और इसमें महज 60% परिवारों ने किसी संस्था से कर्ज लिया है। लिहाजा साफ है कि महज 31% कृषि परिवारों को कर्ज माफी का फायदा पहुंचने की उम्मीद है। ऐसा ही निष्कर्ष NABARD की रिपोर्ट से निकलता है। बिहार से होगा NDA का चुनावी आगाज, मंच पर साथ होंगे मोदी और नीतीश। केंद्र का सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस बार बिहार से अगले आम चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजाएगा। इसके तहत पटना के गांधी मैदान में 24 फरवरी या 3 मार्च को बड़ी रैली का आयोजन करने की योजना है। इस रैली के जरिए साल 2017 में फिर से राजग का दामन थामने वाले बिहार के CM नीतीश कुमार PM मोदी के साथ पहली बार चुनावी मंच साझा करेंगे। भाजपा की कोशिश इस रैली में राजग की सभी छोटे बड़े करीब 3 दर्जन दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देना है। शरीफ जेल में सुना रहे गालिब के शेर, मिलने वालों से कहा वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। हाल ही में उन्हें दिल से जुड़ी परेशानियों के चलते अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि जांच पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा जेल में बंद कर दिया गया। अब शरीफ जेल में खुद से मिलने आने वाले मिर्जा गालिब की शायरी सुनाकर अपनी बुरी हालत की जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान में हेलमेट नहीं पहनने पर सिख का चालान, फिर मांगी माफी। पाकिस्तान के पेशावर शहर की ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक सिख मोटरसाइकिल सवार का चालान काट दिया। ट्रैफिक पुलिस ने हालांकि इस गलती के लिए सिख समुदाय से माफी मांगी। सिख समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा यह मामला प्रकाश में लाए जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह माफी मांगी गई। ट्रैफिक प्रवक्ता ने कहा कि यातायात कर्मी ने गलती से युवक का चालान काट दिया था। प्रांतीय विधानसभा में इस मसले पर चर्चा की संभावना है। एयरटेल ने पेश किया नया प्लान, यूजर्स को एक साल तक फ्री मिलेगा कॉलिंग और इंटरनेट का लाभ। टेलीकॉम कंपनियों के बीच डेटा वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक बार फिर एयरटेल ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए लॉन्ग वैलिडिटी वाला प्लान पेश किया है, जिसमें यूजर्स को 336 दिनों तक फ्री कॉलिंग और इंटरनेट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स को मैसेज का भी लाभ मिलेगा। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को एयरटेल TV ऐप का एक्सेस फ्री में मिलेगा। सूरज के कारण पहले भी रुके हैं क्रिकेट मैच। जब नेपियर में खेला गया वनडे मैच सूरज की तेज रोशनी के कारण रोका गया, तो यह क्रिकेट फैंस के लिए बिल्कुल नया अनुभव था कि किसी मैच को अजीब स्थिति के चलते रोका जा रहा है। लेकिन नेपियर ही नहीं, इतिहास में पहले भी कई ऐसे मौके हैं जब सूरज के कारण मैच रोके गए। सामान्यतः क्रिकेट मैदान पर पिचों को उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है, लेकिन मैकलीन पार्क की पिच पूर्व पश्चिम की ओर है। इससे पहले 1980 में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में टेस्ट मैच सूर्य ग्रहण के कारण रोका गया था। रजनीकांत का मॉर्निंग वॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुपरस्टार रजनीकांत पिछले 2 महीनों में 2 सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। रजनीकांत ने 2.0 और पेटा से दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है और कमाई के जबरदस्त कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। 68 वर्ष की उम्र में भी सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा कायम है और वे खुद को फिट रखने के लिए जमकर पसीना भी बहाते हैं।
सुपरस्टार रजनीकांत का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तड़के रजनीकांत मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। वैसे रजनीकांत की बिटिया सौंदर्या की शादी की खबरें इन दिनों हर ओर छाई हुई हैं। दर्शकों को भा रहे नवाजुद्दीन के ठाकरे। शिवसेना पार्टी सांसद संजय राउत की लिखी फिल्म ठाकरे का निर्देशन अभिजीत पानसे ने किया है। फिल्म में नवाज के लुक और उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। ठाकरे बालसाहेब की बायोपिक है। उनका निधन 17 नवंबर 2012 को हुआ था। ठाकरे बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।